नमस्कार, डीएनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर दिया बड़ा बयान, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा धोखेबाज है केंद्र सरकार। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई मारपीट के दौरान घायल युवक की मौत से परिजन हुए आक्रोशित, पार्षद व उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाकर कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन कर लगाए न्याय की गुहार। और अंधकार में डूबा रहता है नंदनी रोड मुख्य मार्ग, त्योहारों की वजह से नंदनी रोड में बड़ी भीड़ के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होने पहुंची कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दूर दूर से दाई दीदी बहनी मल्ला जोहार और बम्बलेश्वरी मैया और छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने बचपन में पिट्ठुल, गिल्ली डंडा और कंचे सभी खेल खेले हैं। आधुनिक भारत की नींव यही डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपके पहचान की मिसाल है। आधुनिक भारत की नींव यहीं पर डली। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व सेवा भावी है, वे आप सभी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भिलाई की पहचान स्टील प्लांट से है, इसे नेहरू जी ने बसाया था। मातृशक्ति को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संबोधन एक साथ छत्तीसगढ़िया। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, काबर के यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के हमार माता बहनी मन, हमार परिवार में, समाज में महिला मल्ल हमेशा ऊंचा स्थान मिले है। लैंगिक अनुपात हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया हमार छत्तीसगढ़ में। घर के काम काज हो, नौकरी चाकरी हो, रोजगार धंधा हो, सब में महिला मन आगू है। हमारे एमआर निषाद जी बैठे मछरी झोले पर एमन जाही और हमार मछंदरीन मन है वो बेचे पर जाही। पटेल मन टेढ़ा टेढ़ी तो पटेलीन मन बाजार करे पर जाही। राउत मन दूध दुही गरवा चराही तो रौतैन मन है फिर दूध बेचल जाए। तो शुरू से छत्तीसगढ़ में महिला मल्ला हमेशा बराबरी के स्थान मिले है, घर में, परिवार में। आज महिला समृद्धि सम्मेलन और ये सम्मेलन के माध्यम से अभी हमारे जैसे कनीला भाभी बताई, दीपक बैज भी बताई, महाराज साहब भी बोलिस कि आज घर ला चलाए के काम महिला मन करते, लड़का मन के देख रेख से लेके और पढ़ाई लिखाई तक, सियान मन है तो कर मन के इलाज दवा पानी करे के काम, घर में यदि काम करैया है तो कर भोजन और टिफिन जोड़े के काम सब महिला मन करते। सगा सोदर मन के मान सम्मान मान गौन करना है सब महिला मन के जिम्मा रहते। नौकरी भी करा थे तो पहली चाय नाश्ता कर ली, सब के भोजन मरा ली, तब वो जाके 10 बजे फिर नौकरी में जाए। आई तान फिर उत्ता दूर्रा थोक बहुत आराम करी नहीं करी, फिर शाम के भोजन के व्यवस्था महिला मन के हाथ में। तो आज एकर मन की ही काम, कभू गौ पालन से एकर मन के मतलब नहीं रही, किसान मन के आय दुगुना करे कोई मतलब एकर मन के कभू नियत नहीं रही से, ये मन तो अड़ंगा डाले काम करे। आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत सारे मितानिन बैठे है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है, मन खूब रमन सिंह से आंदोलन करे, कभी 500 रुपए बढ़ाए, कभी 1000 रुपए बढ़ाए, 15 साल में 5000 रुपया हो रही से। हमारे 5 साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के 5 से बढ़ा के 10 हजार कर दे, सहायिका मन के 7500 रुपया, मितानिन मर पर 2200 रुपया मान दे देन। आज हमार मितानिन बहनी मन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन बड़े संख्या में हमारे यहाँ है, वो मन खूब आशीर्वाद दे थे, वो मन कहा थे भैया जैसे तू मन हम अल्लाह खुश कर दे और वैया समय में हमू मन तुम अल्लाह खुश कर दे, वो कह नहीं कह
हाथ उठा बताओ भाई, मितानी ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मां यू तरफ वाले बना। तो आज चाहे वो किसान हो, चाहे लघु उनपद संग्राहक हो, चाहे बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, चाहे वो सास की सेवक हो, ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू हुए, डीए जतकर केंद्र सरकार के तत्कर डीए बढ़ाएं, केंद्र सरकार दे शुरू नहीं करे, हमारे सरकार देवत। तो लगातार प्रयास, अभी हमार अनिला भाभी बताई कि जन स्व सहायता समूह मन के कर्ज हमन माफ करें और ओकरे साथ साथ बहनी मन ल सशक्त करे बर जहां सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला, और महिलाएं की मीटिंग है, महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। आज यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली, और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहां पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं, और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सब ने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं उससे कमाती हैं। स्वयं सेवा समूह है, और आप यहां बैठी हैं, आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहां टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया, और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है जिससे आप सबका ध्यान भटकाया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति अफसोस की बात है लेकिन यही राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि यह बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशो भूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में, 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते हैं सिर्फ उनके लिए, 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8,000 करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है,
ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए। इस बीच छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उसने आपकी राहत के लिए और आपकी मदद के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, खेती उसके लिए एक लाभ का जरिया बन गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही, पूरे देश भर में सिर्फ छत्तीसगढ़ में खेती करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। बाकी सब जगह किसान त्रस्त है, परेशान है, महंगाई की वजह से, डीजल के दाम की वजह से, खाद यूरिया के दाम बढ़ने की वजह से बहुत कम कमा पा रहा है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ में ही मिल रही है। गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, इनके किसानों को अतिरिक्त लाभ भी हो रहा है। मिलेट, जिसके बारे में किसी ने पहले सुना ही नहीं होगा, आज उसका कितना लाभ आप सबको मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में जाना जाता है। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बयान दिया। महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए धोखेबाज कहा है। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है उसका कांग्रेस ने समर्थन किया है, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन होने के बाद लागू किया जाएगा, इसमें कई साल लगेंगे। सोनिया गांधी ने साफ कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, लेकिन हमें ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देखिए, ये दुखेबाज तो है ही, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण बिल जो लाया गया विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए, तो उसका तो कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन इसका इंप्लीमेंट कब होगा? जब उन्होंने कहा कि जब इसका जनगणना हो जाए, उसके बाद परिसीमन हो जाए, उसके बाद लागू होगा, ये तो वर्षों लग जाएगा। जबकि सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि इसे तत्काल लागू किया जाए, जो कि अभी होता दिखाई दे नहीं रहा है, जो 2024 के चुनाव में इसे लागू किया जाना चाहिए। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में आयोजित संभाग स्तरीय ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता से उप मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली है। जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बार बार संदेश भेजे जाने के बाद भी जिला प्रशासन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जिला प्रशासन से बेहद नाराज हुए हैं। इस मामले में डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कहा कि मान सम्मान से समझौता नहीं हो सकता। एक तो मेरे को जानकारी नहीं थी, मुख्य अतिथि के रूप में मेरा भी नाम था और उसके लिए आभार भी है, लेकिन मुझसे ना तो चर्चा हुई थी ना मुझे जानकारी थी। और प्रोटोकॉल का एक हिसाब से जो पालन हो रहा है, ऐसे बार बार मैंने अपने तरफ से संदेश भी जिला प्रशासन को भेजा है कि प्रोटोकॉल का कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के नाम में क्रम छपना चाहिए, लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है। ऐसे छोटी बात है लेकिन हम लोग रोज़ उसको सुनते हैं, रोज़ हम लोग को कार्यकर्ता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है, आप हमारे अगुआ हैं, आप अब नाम के लिए मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन हम लोग के मान सम्मान का क्या हो रहा है? तो अनेकों बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन जिस तरफ ध्यान नहीं दे सकता है तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है। मान सम्मान से कोई समझौता किसी वक्त नहीं हो सकता। और एक बार बोला, दो बार बोला, 10 बार बोला, खबर भेजा, जिम्मेदारी से बात की, फिर भी अगर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो फिर हम लोग इतने गैर सम्मान वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के साथ जो त्रुटि प्रशासन से हो रही है, कौन सीनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उनको उसका ध्यान अगर नहीं है, जिला
पंचायत में कौन सभापति है, उसका नाम किस क्रम में है, और जिनका प्रोटोकॉल में कहीं हवाला ही नहीं है उन लोग किस क्रम में रखे जा रहे हैं, तो ये ध्यान आपको देना ही होगा। ऐसा नहीं चल सकता कि भलमनसाहत में चलिए सब ठीक है सब ठीक। मेरे लिए तो कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे साथी अगर मेरे से ये उम्मीद करते हैं कि उनके मान सम्मान का मैं सुरक्षा करूं, तो एक सीमा के बाहर फिर ऐसे आयोजनों में जाना संभव नहीं। मन में अगर सोच नहीं है, आपके मन में सम्मान देखिए लिया नहीं जा सकता, सम्मान कोई देगा तो वो सम्मान होता है। अगर आप मन में आपके लिए किसी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो फिर ये हम ले नहीं सकते। कार्रवाई करके हमको सम्मान बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके मन में है तो दीजिए, नहीं है तो जयराम जी। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन समझदारी होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर एक सीमा के बाहर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का अपमान लगातार नहीं से देख सकते। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी, ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एस के अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हाँ, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एस के अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता, कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड,
प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टीक्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम द्वारा बैकुंठ धाम क्षेत्र में वृहद रूप से पौधारोपण किया गया। देखरेख के अभाव में अधिकांश पौधे सूख गए और जो पौधे बचे उन्हें आवारा मवेशियों ने अपना भोजन बना लिया। कुछ माह पूर्व निगम प्रशासन द्वारा पूरे निगम क्षेत्र में वृहद रूप से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए व्यापक रूप से तैयारी कर निगम क्षेत्र के खाली पड़े स्थानों में पौधारोपण किया गया था। लेकिन पौधारोपण करने के उपरांत निगम अधिकारी पौधारोपण अभियान को भूल गए। इसकी देखरेख करने को लेकर किसी तरह की कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई, जिसकी वजह से गौरव पथ और बैकुंठ धाम के आसपास लगाए गए समूचे पौधे सूख गए। कुछ स्थानों में तो केवल गड्ढा खोदकर ही पौधा लगाने के नाम पर छोड़ दिया गया, लेकिन आज तक इन गड्ढों में पौधे नहीं रोपे गए। शहर को हरा भरा रखने के उद्देश्य से लगाए गए पौधे अब या तो मुरझा चुके हैं या फिर इन्हें सड़क पर घूमते आवारा मवेशियों ने अपना भोजन बना लिया है। निगम प्रशासन द्वारा कुछ स्थान पर पौधों को ट्री गार्ड से सुरक्षित किया गया था, लेकिन यह पौधे भी देखरेख के अभाव में सूख गए। हर वर्ष निगम प्रशासन द्वारा पौधा रोपण को लेकर अभियान चलाया जाता है, लेकिन पौधे पेड़ में तब्दील नहीं होते हैं। इसकी वजह से प्रत्येक वर्ष निगम का पौधारोपण अभियान पूरी तरह से खानापूर्ति साबित होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। पावर हाउस चौक से ACC चौक तक नंदिनी रोड अंधकार में डूबी रहती है। सड़क पर प्रकाश व्यवस्था को लेकर जो लाइटें लगाई थी वे खराब हो चुकी है। अंधकार की वजह से नंदिनी रोड से गुजरते लोगों को परेशान होना पड़ता है। पावर हाउस चौक से ACC चौक तक नंदिनी रोड मुख्य मार्ग पिछले कुछ महीनों से अंधकार में डूबा रहता है। यहाँ लगाई गई लाइटें या तो फ्यूज हो चुकी हैं या फिर खराब। नंदिनी रोड के अंधकार में डूबे रहने की वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा और भी बढ़ गया है। इस मुख्य सड़क पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे दो पहिया चालकों के अनियंत्रित होकर गिरने का भय भी बना रहता है। अब त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, इसकी वजह से नंदिनी रोड में और भी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान गणेश का दर्शन करने देर रात तक लोगों के आने जाने का सिलसिला नंदिनी रोड में बना रहता है, लेकिन पूरी सड़क के अंधकार में डूबे रहने की वजह से यहां से गुजरते सभी प्रकार के वाहन चालक परेशान होते हैं। इसी तरह छावनी चौक भी पिछले कुछ महीनों से अंधकार में डूबा हुआ है। विद्युत मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर से उदासीन है। कोई बड़ी दुर्घटना हो इसके पूर्व नंदिनी रोड मुख्य मार्ग की लाइटों को बदले जाने की ज़रूरत है, ताकि यहां से गुजरते लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं।
टेंशन ना लो, शिवा लो। प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। भाजपा की पार्षद चमेली साहू एवं साथियों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम देने पर मृतक सूरज साहू की उपचार के दौरान हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, साथ ही गांधी प्रतिमा के पास बैठकर न्याय की गुहार लगाई। दुर्ग थाना क्षेत्र वार्ड 1 में बीते दिनों आम आदमी पार्टी के जिला सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के पुत्र मृतक सूरज साहू की भाजपा पार्षद चमेली साहू के परिवार द्वारा मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजन और वार्ड वासियों ने गुरुवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव कर छोटे बच्चों और विधवा पत्नी को 50 लाख रुपये की सहायता राशि और पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिस दिन भी मिला है, जिस दिन वहाँ से छुट्टी लेने के लिए हम लोग बोले, उस दिन डॉक्टर सुबह के टाइम एकदम सही थे, 12 बजे तक एकदम सही थे। शाम के जब हम लोग गए तो पता नहीं क्या कर दिए कि एकदम कंडीशन उनका एकदम खराब हो गया, एकदम सीरियस हो गए। एक दिन पहले और 9 दिन तक एकदम सही थे, घुमाए थे, खिलाए पिलाए, सब चीज़ बातचीत सब चीज़ कर रहे थे। हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। बस जो मेरे पति को मारा है उसे फांसी होना चाहिए और मेरा पूरा खर्चा उठाया जाए। जिस तरह से मृतक के परिजनों द्वारा भाजपा पार्षद की धमकी और घर में घुसकर मृतक से मारपीट करने के बाद जो घटना हुई, उसके बाद भाजपा पार्षद पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही परिजनों ने अपने ज्ञापन में शंकराचार्य के डॉक्टर आदर्श त्रिवेदी की भूमिका की जांच की मांग भी की है। थे हमारे लड़के से कुछ पैसे की मांग की। सूरज साहू बोले अभी सुबह सुबह है, अभी पैसा नहीं है, मैं पैसा ला के छोड़ दूंगा। उसके बाद वो बगल में हमारे मीना गुप्ता हैं, उनके 2 लड़के गोपाल साहू, गोपाल गुप्ता, हाँ 3 लड़के मुकेश साहू और क्या नाम से छोटू उर्फ प्रदीप और गोपाल साहू, ये तीनों आके वो उन लोगों से बहस करने लगे। उन लोग आपस में गाली गलौज किए, मारपीट किए। सरस्वती के नगर के लड़के वो अपने भाग गए, मारपीट होने लगी तो वो लोग भाग गए। उसके बाद पार्षद का लड़का अपने घर से हाँकी निकाल के लाया और ले जाके, उसके बाद एक विकास सिन्हा नाम का आदमी, प्रदीप वो चंद्रकांत साहू पार्षद का लड़का और क्या नाम से विकास सिन्हा और एक था वो छोटू प्रदीप और छोटू, ये तीनों हमारे लड़कियों को ले गए, बोले चलो थोड़ा सा काम है, उसका हाथ पकड़ के ले गए। और गोपाल, 2 मिनट, गोपाल और मुकेश वहाँ पहले से डंडा वंडा धर के जो उनको मारना था उन्होंने ले के बैठे थे। हमारे साथ एक आयुष गुप्ता, हमारे लड़के के साथ आयुष गुप्ता का नाम का लड़का उसके साथ में था, वो वहाँ पे गया। उसको बोलते हैं अबे तू गाड़ी ले के आगे जा, तू आगे ले, वो आगे गाड़ी खड़ी करने गया, तुरंत वापस आया। उसके बाद वो रोड पे पड़ा हुआ मिला था, उसके नाक से मुंह से खून निकल रहा था, उसके सिर पे चोटें बहुत थी, गंभीर चोटें थी। क्या कहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं सरकार से, वीडियो था ना, हाँ, पुलिस वाले डिलीट कर दिए मोबाइल छोड़ के, मोबाइल छोड़ के डिलीट, अभी का बात मतलब मोबाइल छोड़ के वीडियो डिलीट कर दिया है पुलिस द्वारे के द्वारा, वहाँ पे हम भेजे सीसीटीवी कैमरा। क्या चाहते हैं? हमारा मांग ये है कि उनको 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 उचित दंड दिया जाए और हमारे बहू को, हमारे नाती को, हमारे हमको उनको मुआवजा दिया जाए। वो जीवन बसर कैसे करेंगे, उनको उनको उचित मुआवजा दिया जाए जो सरकार की तरफ से उचित लगे। 2 लोग मतलब लेन देन करा हुआ, कबाड़ी काम करते हैं, सामान वामान लेने के लिए आए होंगे, पुट्ठा उट्ठा कुछ नंबर लेने आए थे, फिर सामने बहस होने लग गया। पिए खाए थे लड़के लोग, उसमें पिए खाए थे, आपस में बहस कर रहे थे, फिर घर बगल वाले घर वाले निकले, उसमें बहस चालू हो गया। वो लोग बहस करने लग गए आपस में, उनके भी छाता पाई हुआ, फिर सूरज भैया निकले घर से, वो लोग लड़के लोग को भगाए, फिर ये बगल वाले लोग आके 2-3 लड़के आके उनको उठा के ले गए और चौक में फिर ये सब किए। किसने किया? एक तो बगल में पार्षद का बेटा था चमेली साहू और उसके घर के जस्ट बगल, सूरज भैया के घर के जस्ट बगल के 2-3 लोग थे जस्ट बगल। क्या चाहते हो? उसको फांसी, उसको जो किया है उसको फांसी हो, सजा मिले, सरकारी नौकरी और चाहिए, नौकरी मेरे बच्चों, मिले, दोनों बच्चों को मुझे पूरी जिंदगी तक पढ़ाई लिखाई, पूरा खर्चा। बहरहाल दुर्ग पुलिस इस मामले में अब तक 3 आरोपी को पकड़ चुकी है। वहीं कुछ असामाजिक तत्व द्वारा वार्ड का माहौल खराब किए जाने जैसे इस तरह के मामले में पूर्व में भी सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की जा चुकी है, जिसमें भाजपा पार्षद चमेली साहू के 2 पुत्रों का नाम दर्ज है। सितंबर के सुबह की बात है,
हमारे कार्यकर्ता माणिक चंद साहू जी, उनका बेटा सूरज घर में सोया हुआ था, कुछ लोग उनको घर पे आए और शायद कुछ लेन देन का मामला रहा होगा, उस पर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद में पार्षद के पुत्र और कुछ रिश्तेदार जो नाम बता रहे हैं, उन्होंने घर से डंडा और हॉकी स्टिक ला के उनके ऊपर जोरदार प्रहार किया, सिर पर चोट लगी। सिर पर चोट लगने के पश्चात वो रोड पर गिर गया। 112 से उनको जिला अस्पताल पहुँचाया गया। जिला अस्पताल में आपको मालूम है न्यूरो सर्जन की 3-3.5 लाख रुपए पे दे करके उनकी नियुक्ति की गई है और वहाँ सिटी स्कैन सब है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको शंकराचार्य रेफर किया गया। ये सरकार द्वारा जब वहाँ पर पहुँचाया शंकराचार्य में, तो कल सुबह 1:20 पर आज रात को उनकी मौत हो गई। हमारी ये मांग है कि पार्षद के पुत्रों के ख़िलाफ़ पहले भी शिकायत दर्ज की गई है, जिसकी हम कॉपी आज दिए हैं कलेक्टर साहब को, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वे लोग नशे का व्यापार करते हैं, इसका इसमें पूरा प्रशासनिक उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसमें पार्षद है, बीजेपी के है, कांग्रेस की सरकार है, दोनों की मिली भगत है। इस दोनों जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो बच्चे हैं 2-4 साल के और उनकी पत्नी है, उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दुर्ग में जिस तरह से मारपीट की घटना में एक परिवार का कमाने वाला मुखिया चल बसा, जो अपने पीछे छोटे बच्चों सहित परिवार अब बेसहारा छोड़ चुका है, इसके चलते परिजन न्याय की गुहार लगाने सड़क पर बैठ अपना हक मांग रहे हैं। देखना होगा शासन प्रशासन अब इस परिवार को किस तरह की राहत पहुँचाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। जहां एक ओर बीजेपी वर्तमान कांग्रेस सरकार की खामियां गिनाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के सामने जाने की तैयारी में है। ग्रैंड एशियन न्यूज लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर वर्तमान समय में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रोफेशनल कांग्रेस के वैशाली नगर उपाध्यक्ष आरिफ खान से ग्रैंड एशिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार के विकास कार्यों को कुछ इस प्रकार से बयां किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज, हमारे खास कार्यक्रम सप्ताह 23 की में आज हमारे साथ है प्रोफेशनल कांग्रेस में वैशाली नगर से उपाध्यक्ष आरिफ खान। ये हमें बताएंगे कि विगत 4.5 वर्षों में राज्य शासन की किस प्रकार की उपलब्धियां रही हैं। मिलते हैं आरिफ खान जी से। तो सबसे पहले तो आपको हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे न्यौता देने के लिए। सर, आप ये बताएंगे कि 4.5 साल में शासन की किस प्रकार की योजनाएं रही हैं जो आम जनता को जिससे बहुत अधिक लाभ पहुंचा है, किस प्रकार देखते हैं? योजनाओं की अगर आप बात करें तो आपके पास एक पिटारा है बहुत बड़ा सा सरकार की योजनाओं का। सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाता है, क्योंकि हर एक वर्ग, चाहे वो एक किसान वर्ग की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उद्योगों की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, हर एक जगह पर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया हुआ है। इसका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा प्रदेश में जाकर। अगर आप जनता से बात करेंगे, लोगों से मिलकर बात करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें मालूम चलेंगी। किसानों की बात करें तो आपने जब हमारी सरकार बनी 2018 के वक्त में, तो हमने वादा किया था कि हम सरकार बनने के कुछ दिनों के अंदर में, 10 दिन के अंदर अंदर में कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, मात्र 2 घंटे के अंदर पे 18 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपये कर्ज माफ़ कर दिया गया। तो अपने आप में ये उपलब्धि और ये शुरुआत थी वहाँ से, और जैसे हमने वादे किए थे, वादे की शुरुआत हमने वहीं से कर दी थी कि जो हम समय मांग रहे हैं या समय की बात करें हैं, उससे कम समय पर ही हम चीज़ों को प्रोवाइड कर देंगे, आप सभी को बोलेंगे, वो करेंगे जो हमने बोला हुआ है। तो इस तरह की हमारी सरकार है। अब बात करते हैं समर्थन मूल्य की। तो हमने कहा था कि 2500 में समर्थन मूल्य हम देंगे, तो किसानों को समर्थन मूल्य दिया गया। 20,102 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है अभी तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से। अब आप इसको इस तरह से देखिएगा कि 2018 में जब हमने घोषणा की कि हम 2500 रुपये का आपको समर्थन मूल्य देने वाले हैं, उसके बाद 2019 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है केंद्र सरकार की तरफ से कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, कर लीजिए, क्यों, क्योंकि उस समय चुनाव थे लोकसभा के। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं लोकसभा के, अब उनकी तकलीफ चालू हो जाती है कि ये समर्थन मूल्य दे रहे हैं, जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। तो उसी लिए उन्होंने बोला कि अगर आप 1 रुपये भी अधिक देते हैं किसानों को, तो हम छत्तीसगढ़ प्रदेश से धान नहीं खरीदेंगे। उसी लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आई गई, ताकि हमने जो वादा किया था, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने वादा जो किया था
कि हम 25 समर्थन मूल्य देंगे, तो वो समर्थन मूल्य इस योजना के माध्यम से दिया गया। आप स्कूलों पे देखें, एक वक्त था कि सरकार लोगों की, अगर आज बात करते थे आप पहले कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट स्कूलों में चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर पे वो एक उच्च शिक्षा दी जाती है, एक बेहतरीन आधुनिक लेबोरेटरी होती है, शिक्षक बेहतरीन होते हैं, एक बहुत अच्छा सा माहौल होता है, टेबल चेयर एसी सब कुछ होता है। लेकिन एक गरीब परिवार या एक किसान का बच्चा, ये ख्वाब किसान एक ख्वाब देखता था कि मेरा बच्चा भी ऐसे स्कूल में पढ़े, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता था क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बड़ी महंगी होती थी। अब ये वो दर्द वही समझ पाता है जो व्यक्ति इस चीज़ को महसूस किया होता है। तो इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है पूरे प्रदेश को, जो कि पूरे देश के लिए एक बेहतरीन मॉडल बन के रखा हुआ है, स्वामी आत्मनंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पर बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है और उच्च शिक्षा के साथ साथ में बेहतर शिक्षक भी हैं, आधुनिक लैब भी हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका अवसर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी आज अंग्रेजी में बात कर सकता है। बहुत सारे वीडियोस देखेंगे कि बच्चे जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं वो बच्चे भी अंग्रेजी में बात करें, तो ये उनके लिए, उनके माता पिता के लिए और हमारे लिए एक गर्व की बात है। और इसका रिजल्ट ये रहा कि जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो उन स्कूलों से बच्चे जो निकल कर आते हैं वो टॉपर लिस्ट में आते हैं। यानी कि हमने जो वादा किया था, सिर्फ बिल्डिंग खड़े नहीं की, बिल्डिंग के अंदर शिक्षा भी दी जा रही है, जो उसका असल कार्य है वहाँ पे। युवाओं की बात करें तो आप पूरे देश की अगर बात करें तो 8% बेरोजगारी दर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 1% से कम हो चुका है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो शायद ही आपने किसी राज्य में देखा होगा कि किसी स्वास्थ्य सहायता के लिए 20 लाख रुपए तक का आर्थिक लाभ सहायता दी जा रही होती है, ऐसा कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। आपको ये चीज़ें कहाँ देखने को मिली? छत्तीसगढ़ में देखने कि अगर कोई दुर्लभ बीमारी आपको हो जाती है तो एक व्यक्ति को उस बीमारी के इलाज के लिए 20 लाख रुपए से अधिक का आपको सरकार जो रहेगी वो आपको वहाँ पर खर्च में आपका सहयोग करेगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और इसका फ़ायदा अभी तक 2360 लोगों ने उठा चुका है। ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, ये आंकड़े बढ़ भी रहे हैं तो ये लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बिजली बिल हाफ की बात कर लेते हैं कि एक मानक बना के रखा कि 400 यूनिट तक की जो बिजली होगी आप उतना यूज़ कीजिए, आपका बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा। अब सवाल ये था कि 400 यूनिट ही क्यों लिया गया, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो 76.76% जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण लोग निवास करते हैं और इनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं बिजली के लिए, ये कितना भी कर लें ये 400 यूनिट के ऊपर जा ही नहीं पाती। इसीलिए उनके लिए, उनको नज़र पर ध्यान में रखते हुए इस बिजली बिल को बोला कि 400 यूनिट तक हम उसको आधा कर देंगे। और अभी तक 42 लाख परिवारों ने, उपभोक्ताओं ने बिजली बिल का लाभ लिया हुआ है। अब जो कहते हैं कि नहीं हुआ बिजली बिल हाफ, तो मैं उनको जागरूक करना चाहता हूँ कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास आपका बिजली बिल भी आता होगा, बिजली बिल निकालिए, अब तो वो हिंदी में भी आता है, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आपने पिछले 4.5 सालों में कितना लाभ ले चुका है और आपने कितनी बिजली बिल बचा चुके हैं। तो अब तक 3,767 करोड़ रुपये की बचत आपको दी जा चुकी है। किसान न्याय योजना की बात करते हैं, भूमिहीन किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, तो पैसे उनकी जेब में आ रहे हैं। बिजली बिल हाफ की बात करते हैं तो पैसे जो जेब में आ चुके हैं पैसे बच रहे हैं। अब बचे पैसे का आप क्या करोगे? बचे पैसे को अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं उनकी बेहतरी के लिए आप खर्च करोगे। तो इस तरह का सर्वांगीण विकास की बात हो रहा है। और अगर योजना की जैसे आपने बात करी हुई है तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर राम राज्य की जो परिकल्पना है वो सत्य होती नज़र आती है। हमने राम वन गमन पथ बना के रखा हुआ है, 2360 किलोमीटर का राम वन गमन पथ बना के रखा हुआ है ताकि हमारे देश प्रदेश के जो युवा हैं वो समझ सके कि वो राम के पदचिन्ह पर चलें और राम के पदचिन्ह पर चलकर वो आपसी जो एक जो आपसे जो प्रेम है, जो सुरक्षा है, जो मेलजोल है, वो कैसे बरकरार रखें। जो वास्तविक रूप से जो राम के पद पर चलना था वो आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो राम भगवान के साथ साथ भाचा भी कहे जाते हैं, हमारे भाचा भी हैं, वनवास का समय यहाँ पर बहुत सारा उन्होंने गुजारा हुआ है। तो उसी चीज़ों को साकार करते हुए यहाँ पर उन चिन्हों को, उन जगहों को लोकेट किया और वहाँ पर हमने उसका विकास किया। और एक राम वन गमन पथ की बात करें तो वो कोरिया से लेकर सुकमा तक उसका निर्माण किया गया है। ये तो एक मतलब रोकना चाहूँगा जी, युवाओं के लिए जी, बेरोजगारी जो आपने बेरोजगारी की बात हुई, शिक्षा के बारे में आपने बहुत मुखर होकर बताया, पर जो युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं शासन की ओर से? सरकारी नौकरियां आप देख ही रहे हैं, पिटारा खुल चुका है, चाहे आप सहकारिता की भर्ती देखें अभी आई हुई हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में बात करें, व्यापम के मामले में बात करते हैं तो बहुत सारी भर्तियां उसमें निकली हुई हैं, चाहे आप मंडी निरीक्षक की बात करें, महिला पर्यवेक्षक की बात करें, तो तमाम एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अब जब एग्ज़ाम तो हो रहे हैं तो बच्चे सब प्रवेश करेंगे साथ में। अब जब आप एक बच्चे के लिए जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो एक उसकी एग्ज़ाम की फ़ीस एक बहुत बड़ा भार हो जाता है। तो लाखों बच्चे हमारे प्रदेश में जो हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए उनको आर्थिक
भार ना हो झेलना पड़े, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी आज से 1.5 से 2 साल पहले कि जो भी सरकारी एग्जाम होंगे, छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम, इन सभी एग्जाम की जो एग्जाम शुल्क होती है इसको माफ़ कर दिया गया, ताकि कोई भी बच्चा एग्जाम में बैठने के पहले ये ना सोचे कि तैयारी तो हो चुकी है लेकिन एग्जाम में बैठने की फीस कहाँ से लेकर आऊँगा। तो उस चीज़ों को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और बहुत सारी भर्तियाँ निकल कर आ रही हैं। आपने देखा होगा शिक्षक भर्ती के समय पर 10 से 12 हज़ार पोस्ट निकली हुई थी, यहाँ पर सभी लोगों ने, महिलाओं ने खासकर बहुत ज़्यादा भाग लिया और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत ज़्यादा एक बढ़िया सा साइकिल चल रहा है एग्ज़ाम का। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी आती है जो 2019 से 2024 तक चलने वाली है, इसके माध्यम से भी हम 1 लाख से ज़्यादा नौकरी यहाँ पर युवाओं को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3,007 औद्योगिक इकाइयाँ खुल चुकी हैं और आगे भी बहुत सारे MOU साइन किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से आने वाले समय पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश किया जाएगा, जिससे 2 लाख नौकरियाँ भी हमारे प्रदेश में उत्पन्न होगी, इसलिए तो बेरोजगारी दर हमारा कम है। ये तो बात हुई कांग्रेस की और उनकी नीतियों की। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री आए थे अमित शाह, उन्होंने आरोप पत्र दिया हुआ है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, उसे किस प्रकार से देखते हैं? पढ़ा यूँ कि मतलब वो मैंने कुछ देर पहले ही देखा उस चीज़ को और ला के रखा भी है। तो जैसे अमित शाह जी आते हैं वो अब कब आते हैं और कब चले जाते पता नहीं, बहुत डार्क रहता है, सबका सीक्रेट रहता है। तो ये आरोप पत्र जो लगा रहे हैं, मैंने देखा अभी सरसरी निगाहों से, तो मैं अब जब बात हो ही रही है तो मैं इसके बारे पे बिल्कुल आपके सामने बता दूं कि जो आरोप लगाया जा रहा है, जब आपके सामने कोई चीज़ें नहीं होती है ना, कि आप देखिए डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की अगर हम बात करते हैं, तो समाज के अंदर पे ना एक, अगर हम हर तबके को देखते हैं तो एक पिरामिड बन जाता है। उस पिरामिड के जो बेस होता है, उस बेस में जो लोग रहते हैं वो सबसे कमज़ोर वर्ग रहता है, और उस पिरामिड के सबसे टॉप में देखें वो बहुत पॉइंटेड वाला पार्ट रहता है, वहाँ पर उच्च वर्ग रहता है। हमारी जो नीति होती है, कांग्रेस की जो नीति होती है, वो हमेशा बेस पर, आधार को फोकस करके उनके विकास की बात करती है। इसीलिए तो हमारे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जो पैसा जो आ रहा है वो किसान की जेब में जा रहा है, किसान जो हो रहा है वो समृद्ध हो रहा है। और जब किसान के पास पैसा आएगा, इसका मतलब कि वो किसान की जेब में आएगा, तो किसान उसको खर्च करने के लिए कहाँ जाएगा? मार्केट जाएगा, बाज़ार में जाएगा, और वो ख़रीदारी करेगा, और यही पैसा बढ़ के फिर ऊपर जाएगा, और इससे पूरे सर्वांगीण विकास आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें से पढ़ा था, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर लेकर आया। और इसमें पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जन घोषणा पत्र पर धोखा। छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसा राज्य है अभी के अगर परिप्रेक्ष्य बात करते हैं, जिसने जितनी भी घोषणा करी थी वो घोषणाओं को समय से पहले ही पूरा कर दिया। यहां पर एक लीक चीज लिखी हुई, परेशान किसान, यह सिर्फ किताबों पर ही सीमित रह पाएगा क्योंकि काले अक्षर में लिखा गया हुआ है। और अगर आप प्रदेश में जाते हैं, घूमते हैं, आप स्वयं किसानों के पास चले जाइए, एक आम इंसान के तौर पर अगर आप किसान के पास जाते हैं, किसान से पूछते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, तो मात्र छत्तीसगढ़ का वो किसान है जो सबसे खुश है, क्योंकि समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा यहीं पर दिया जा रहा है। पहले 1 एकड़ ज़मीन पर 15 क्विंटल आप धान बेच सकते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। समर्थन मूल्य 2,640, 2,500 का वादा था लेकिन 2,640 कर दिया गया, और आने वाले समय पर इसको उसमें और वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता नहीं किसी भी एंगल से कि किसान परेशान है, बल्कि उल्टा है कि किसान सबसे ज़्यादा खुश कहाँ पर है, तो वो मात्र छत्तीसगढ़ की ही नाम लेगा। हर प्रदेश के किसान की अगर आप बात करें तो उसको छत्तीसगढ़ किसान से थोड़ी सी मेरे ख्याल से जलन भावना भी हो सकती है, क्योंकि बहुत खुश है यहाँ पर किसान। मतलब आप मानते हैं कि आरोप पत्र जो है बीजेपी ने जो लगाए हैं इल्ज़ाम, वो गलत है? वो वाहियात है सर, मैं क्या बताऊँ आपको, अगर मैं एक एक पन्ने खंगालूंगा ना तो फिर मैं आपको बहुत सारे तथ्य बता सकता हूँ। तेंदुपत्ता खरीदी में घोटाले की बात करते हैं। तेंदुपत्ता जब हमने कैंपेन किया था, हमने वादा किया था, घोषणा पत्र की बात करूँ, कि हम तेंदुपत्ता पर जो समर्थन मूल्य है उसकी वृद्धि करेंगे, तो उस समय तेंदुपत्ता में समर्थन मूल्य था 2,500 रुपये और आज वो बढ़कर हो चुका है 4,000 रुपये। तो इससे आप 2,870 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है इन चीज़ों पे, मतलब कई लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और साथ साथ में तेंदुपत्ता संग्रहकों के लिए भी बहुत सारी स्वास्थ्य लाभ योजना भी लेकर आई गई है, ताकि अगर संग्रहण के दौर पे अगर कोई समस्या होती है, कोई अनहोनी होती है, तो उस अनहोनी के होने की वजह से भी उन परिवार को कोई आर्थिक संकट ना आए, इसके लिए भी उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब अगर बात करिएगा कि 2018 के पहले समर्थन मूल्य की तो बात करें, तो जो लघु वनोपज होते हैं, मात्र 7 लघु वनोपजों पर समर्थन मूल्य मिलता था। तो आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कितना भी प्रेम कर ले तो वो 7 लघु वनोपजों को बढ़ाकर 10 या 12 ही कर सकता था, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया।
आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में 65 लघु वनोपजों पर समर्थन मूल्य दिया जाता है, जो पूरे देश की अगर बात करें तो 3/4 जो लघु वनोपज का समर्थन मूल्य जो दिया जाता है वो यहीं से छत्तीसगढ़ से ही दिया जाता है। तो ये हमारी उपलब्धि है और ये विकास हो रहा है हमारे समाज के सबसे निम्न स्तर के जो वहाँ पर जो लोग हैं, जो कि एक जो किसान है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, उन सभी के लिए स्वास्थ्य सहायता की बात करें तो आप शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना देख सकते हैं, हार्ट बाजार क्लिनिक योजना देख सकते हैं, जहाँ पर 125 करोड़ लोग लाभ ले रहे हैं। और एक बहुत ही उम्दा चीज़ महिलाओं की अगर बात करते हैं, क्योंकि महिला का सम्मान करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसमें शायद बहुत लोग विफल हो जाते हैं। इस घोषणा पत्र में जो लिखने वाले लोग हैं शायद वो इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि सम्मान महिला कैसे किया जाता है, कि जो माताएँ और बहनें जो बालिकाएँ जो होती हैं जो संकोच करती हैं अपनी बीमारी को बताने के लिए पुरुष डॉक्टर के सामने, तो उनके उस तकलीफ को समझते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया ने, हमारे प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि एक बहुत ही बढ़िया सौगात दी, इसका नाम दिया गया दाई दीदी क्लिनिक, जहां पर एक मोबाइल वैन आपके पास आएगी, एम्बुलेंस आपके पास आएगी, जहाँ पर डॉक्टर महिला होंगी, स्टाफ महिला होंगे, जाँच करने वाले महिला होंगे, दवाई देने वाली महिला होंगी, ताकि हमारी माताएँ बहनें जाकर निसंकोच अपनी बातों को वहाँ पर रख सके और अपनी बीमारी का इलाज वहाँ पर बेहतर तरीके से करा सके। 150,000 महिलाएँ इससे अभी तक लाभ ले चुकी हैं। ये तो बात रही बीते हुए शासनकाल की, अब अगर चुनाव के टाइम फिर से शासन कांग्रेस पार्टी के बन के आता है तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा विकास को लेकर? मैं आपके सवाल में ये बदलता हूँ कि आता है वाली बात ही नहीं है, वो तो आना ही है, तय है, बल्कि और मज़बूती से हम आने वाले हैं। हमने तो बोला हुआ है अब की बार 75 पार, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए रखा हुआ है, हम 90 सीट पे इस बार काबिज़ हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का कार्य हमारे प्रदेश की सरकार जो किया है अभी तक, इसी कार्यों को और मज़बूती से आगे लेके जाएंगे। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का नाम जब आप पहले लेते होंगे 2018 के पहले, अगर प्रदेश के बाहर जाके, तो अक्सर एक ही चीज़ सुनी होती थी कि शायद यहाँ पर नक्सल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ये हैं वो हैं, तो वो नाम कहीं ना कहीं छुप जाता था छत्तीसगढ़ का। लेकिन आज एक छत्तीसगढ़ का रहने वाला व्यक्ति अगर पूरे देश में कहीं पर भी रहता होगा तो वो गर्व से कह सकता है कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस तरह से डेवलप हो रहा है जितना हमारे साथ बने हुए राज्य डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि पिछले 4.5 सालों में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को एक बहुत ही ऊँचे मुकाम पर पहुँचा दिया है। और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय पर आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने स्कूल है, अब वो कॉलेजेस में भी चले जा रहे हैं, महाविद्यालय खुलने वाले, अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खुलने वाले हैं, ताकि उच्च शिक्षा के लिए भी हमारे लोगों को दर दर भटकना ना पड़े, आर्थिक सहायता, आर्थिक जो उनकी जो कमजोरी होती है उससे निपटते हुए भी वो लोग वहाँ पर उसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपने महाविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। युवाओं के रोजगार की बात करें, एक वो समय भी आपको देखने को मिलेगा प्रदेश में कि जो बेरोजगारी दर है वो अपने सबसे निम्न स्तर पर आ जाएगा और छत्तीसगढ़ उसमें टॉप कर जाएगा कि बेरोजगारी दर के अंदर पर छत्तीसगढ़ अभी भी टॉप में है और काबिज रहेगा हमेशा के लिए। किसानों की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में इतना बेहतरीन विकास हो जाएगा, क्योंकि आप अगर देखें ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में फ़र्क आपको देखने को मिलता है उद्योगों का, तो गौठान बने हुए हैं, अब यहाँ तो हम गए ही नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसी उम्दा चीज़ें हैं कि शायद इसकी जो रिसर्च है वो लोग भी कर रहे हैं जो हमारा विरोध करने आते हैं, कि गौठान एक ऐसी योजना है, आपकी गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना बन के रखी हुई है कि छत्तीसगढ़ में जो चीज़ हुई है वो पूरे देश में, पूरे विदेश में नहीं होती है, कि रूरल इकोनॉमी से भी आप प्रदेश की तरक्की कर सकते हैं। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है अगर आपने वो सुदृढ़ कर दिया तो पूरे देश में आप अव्वल नंबर पर आ सकते हैं। ये हमने देखा गोबर और गौमित्र खरीदने के बाद भी, कि पार्लियामेंट्री कमेटी सेंट्रल की और उत्तर प्रदेश की जो कमिटीज़ हैं वो यहाँ पर आकर रिसर्च करते हैं। जिस गुजरात मॉडल को एक डंका बजाया जाता था पहले, जो एक बबल था, एक बुलबुला था जो फूट चुका है, वहाँ के लोग आके यहाँ पर रिसर्च करते हैं कि योजना इतना बेहतर कार्य कर कैसे रही है। इसी को आगे ले जाते हुए आ रहा है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको आप अगर देखेंगे घूम घूम के तो गोठानों पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको इंडस्ट्री दिखाई देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सिर्फ किसान नज़र नहीं आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको उद्योगपति भी नज़र आने वाले हैं, बिजनेस पर्सन नज़र आने वाले हैं, जहाँ की माताएं, बहनें और किसान भी अब वहाँ पर युवाओं को रोज़गार देंगे। ऐसा वक्त आएगा कि शायद शहर से लोग गांव में रोज़गार के लिए चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर पे ही संभव होती हुई नज़र आएगी। एक आखिरी सवाल आपसे, आप दुर्ग में ही रहते हैं, दुर्ग में किस प्रकार से विकास कार्य देखते हैं पिछले 4 सालों से जो किया हो? तो वो तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखें तो आपको हर तरफ से, अगर आप रास्तों की बात करें, अगर आप सुरक्षा की बात करें, अगर आप रंग रोगन की बात करें, अगर आप तमाम चीज़ों की बात करते हैं, जो दुर्ग है वो अपने आप में एक विकास का एक मॉडल बन के तैयार हो चुका है। सिर्फ दुर्ग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का हर जो क्षेत्र है, हर जो विधानसभा है आपको नज़र आती होगी, 90 विधानसभा में आपको उत्कृष्ट कार्य होता हुआ नज़र आ रहा होगा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ आरिफ खान, भिलाई के वैशाली नगर से प्रोफेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपनी शासन की योजनाओं को बड़ी मुखर तरीके से हमारे सामने रखा। आने वाले समय में आपको और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे, जो आने वाले विकास कार्य और बीते हुए समय के विकास कार्यों के बारे में बताए रहेंगे। बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।